नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो ये सड़क दिख रहे हैं जहां से वाहन निकल रहे हैं और एक तरफ दीवार है, ये झांसी का हम आपको एक ऐसी कॉलोनी का एक वो हिस्सा दिखाते हैं जो आपने बहुत कम देखा होगा। ये ग्वालियर रोड पर जब आप जाते हैं तो जहां से ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज के ख़त्म होते ही आपको यह कॉलोनी दिखती है। इसका नाम है महेंद्रपुरी कॉलोनी। बहुत पुरानी कॉलोनी हो चुकी है, करीब 7-8 दशक पहले इस कॉलोनी का निर्माण किया गया था। उस समय यहाँ पर इतने ज़्यादा मकान नहीं थे। हम आपको कॉलोनी का अंदरूनी एक हिस्सा दिखाएंगे और जहाँ तक कॉलोनी का यह हिस्सा जाकर ख़त्म होता है उस हिस्से तक आपको लेकर चलेंगे। तो ये आप महेंद्रपुरी में जब एंट्री करते हैं उस समय आपको यह दो रास्ते नज़र आते हैं। दाएं तरफ वाले रास्ते से हम जब चलेंगे तो यहाँ आपको रास्ता लेकर चलेंगे। बाईं तरफ का रास्ता थोड़े अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ से रास्ता पूरा सूती मिल तरफ निकल जाता है, लेकिन यहाँ से भी आपको दो रास्ते होंगे। इस रास्ते पर जहाँ हम चल रहे हैं ये मुख्य मार्ग है। यहाँ पर कई बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिसमें कई सारे बड़े बड़े मकानों में रहने वाले लोगों के अलावा, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आपको जो दिखाई दे रही होगी वह अन्य कॉलोनी की तरह यहाँ भी जो सड़क है वह पूरी तरह से उखड़ी नज़र आती है और नालियों का अता पता नहीं है। बहुत खूबसूरत कॉलोनी कहा जाता है इसे, महेंद्रपुरी कॉलोनी का। इस रास्ते को जो आप अभी चल रहे हैं, यहाँ पर सांडल जी का, राजा रमन सांडल जी जो बहुत प्रतिष्ठित झांसी के व्यक्ति हैं, उनका यहाँ पर निवास आपको सामने ये दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा जब आप सीधे चलते हैं तो आगे जाकर जो दाईं तरफ रास्ता मुड़ता है वह सीधा सूती मिल के लिए अंदर निकलता है, लेकिन हम उस रास्ते से लेकर नहीं चलेंगे, सीधा ये रास्ता लेकर चलेंगे। इसको बहुत कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि यहाँ भी काफ़ी मकान अब बन गए। ये रास्ता जो अंदर जा रहा है दाईं तरफ, ये सूती मिल की तरफ जाता है। आपको हम इस रास्ते पर लेकर चलेंगे। इस रास्ते को बहुत कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि यहाँ मकान इतने नहीं बने थे, लेकिन अब धीरे धीरे इस हिस्से पर भी काफ़ी निर्माण हो गया है। झांसी की यह महेंद्रपुरी कॉलोनी का वो हिस्सा आप देखेंगे जिस हिस्से को बहुत कम लोगों ने जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेत खलिहान थे और एक सरकारी गोदाम था। हम उसी गोदाम के अंतिम छोर तक आपको लेकर चल रहे हैं और दिखाते हैं कि इस बीच में अब यहाँ कितना बदलाव आपको दिखाई दे रहा हुआ। सड़क चौड़ी जरूर है, लेकिन जो पाइपलाइन डाली गई है उसकी वजह से लगभग झांसी के हर कॉलोनी में आपको यही नज़ारा दिखाई देगा। यहाँ खूबसूरत हरियाली का हिस्सा शुरू हो जाता है क्योंकि अब आप उस अंतिम छोर की तरफ आ रहे हैं जहाँ से आगे रास्ता बंद हो जाता है, और यहाँ पर आपको जो खूबसूरत दूर दूर तक कुछ मकान बड़े बड़े हैं वो दिखाई दे जाएंगे, कुछ खाली प्लॉट नज़र आ जाएंगे। सामने ये जो आप नीम का पेड़ देख रहे हैं, यहीं सामने गोदाम है सरकारी, और यहीं से पूरा इलाका का जो गली है महेंद्रपुरी की वह यहीं समाप्त हो जाती है। तो इस हिस्से को हमने जो आपको दिखाया वो हिस्सा कैसा लगा महेंद्रपुरी का, आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महेंद्रपुरी काफ़ी बड़ी है। हम इसका दूसरा हिस्सा जो सूती मिल की तरफ जाता है उसको जल्द दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ काफ़ी सड़क की परेशानियाँ भी हैं। तब तक आप देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट। जहाँ